उत्तर प्रदेश के पहले डाटा सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के राज्य मंत्री माननीय श्री राजीव चंद्रशेखर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री मान आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल मंडी गुप्ता जी, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के राज्य मंत्री श्री अजीत पाल जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री प्रकाश शंकर मिश्र जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री सुरेंद्र नागर जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री नरेंद्र राठी जी, श्री चंद्र शर्मा जी, माननीय विधायक श्री देवेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री तेजपाल नागर जी, उत्तर प्रदेश शासन के औद्योगिक और स्थापना आयुक्त श्री अरविंद कुमार जी, आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश के पहले डाटा सेंटर के संस्थापक एमपी हेमानंदानी गुरु श्री निरंजन हेमानंदानी जी, चेयरमैन टेटास श्री दर्शन हेमानंदानी जी, को फाउंडर एंड सीईओ टेटास श्री सुनील भट्ट जी और उनकी टीम के सभी उपस्थित सदस्यगण, हमारे प्रशासन और अथॉरिटी से जुड़े हुए सभी पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे आप अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर भारत के इस पहले डाटा सेंटर का आज यहाँ पर अभी कुछ देर पहले लोकार्पण हुआ है। मैं इसके लिए डाटा सेंटर इकाई के लोकार्पण और साथ ही 30,000 यानी 45,000 करोड़ रुपए के परियोजनाओं के एमओयू के इस अवसर पर हेरा मंगानी ग्रुप को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है, क्योंकि जब हम लोग डाटा सेंटर की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की तरफ दुनिया का ध्यान परवस जाता है। अगर हम देखें तो दुनिया के अंदर 150 करोड़ मोबाइल फोन और लगभग 63 करोड़ इंटरनेट के उपयोगकर्ता वह भारत के हैं। लेकिन अगर हम देखें तो दुनिया का कुल डाटा का लगभग 20% उत्पन्न भारत से होता है, लेकिन हमारे पास इसके स्टोरेज की क्षमता के अब तक मात्र 2% थी। इसका मतलब हमारे यहां का उपयोगकर्ता भारत का था, मोबाइल फोन का हो, इंटरनेट का हो, लेकिन उसके स्टोरेज के लिए दुनिया के अंदर हमें भूमि तलाशनी पड़ती थी। और आज पहली बार अवसर आया है तो उत्तर भारत के अंदर
हीरानंदानी ग्रुप ने यहाँ एक डाटा सेंटर देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के न केवल डिजिटल इंडिया के संकल्पना को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया है, बल्कि इस फील्ड में कोई भारतीय भी निवेश करने की हिम्मत कर सकता है उसको साकार करता है। हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है और यहाँ पर डाटा स्टोरेज के लिए डाटा माइनिंग, डाटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के लिए अपार अवसर है। हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो गौतम बुद्ध नगर जनपद है, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी का जो पूरा क्षेत्र है, ये आईटी उद्योग का एक प्रमुख केंद्र भी है। देश विदेश के अनेक निवेशक यहाँ पर आईटी के क्षेत्र में निवेश किए हैं और निवेश करने में अपनी रुचि भी ले रहे हैं। यहाँ पर तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार और अथॉरिटी ने मिलकर के इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जब हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ दुनिया का सबसे अच्छा मैन पावर भी वो हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। यही का युवा आईटी के क्षेत्र में दुनिया के अंदर डिजिटल क्रांति के खेल में अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। जब उसे अवसर मिलेगा तो उससे दुगनी क्षमता के साथ वह वैसे ही अपने को साबित करेगा जैसे डबल इंजन की सरकार आज भारत के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी क्षमता का उपयोग कर रही है। मेरा अनुमान है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को आगामी 5 वर्ष के अंदर $5 बिलियन की कमोनी बनाने का जो एक संकल्प पूरे देशवासियों के सामने किया है वह संभव है और प्रधानमंत्री मोदी जी के ही प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। जब मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश अपार संभावनाओं वाला राज्य है। हमने उत्तर प्रदेश की संभावनाओं को कभी टटोलने का और उसे आगे बढ़ाने का प्रयास ही नहीं किया। कारण था क्योंकि जब भी कहीं कोई अच्छे प्रगतिशील कदम उठाने की बात उठती थी तो उस पर बैरियर के रूप में अनेक चीजें सामने आती हुई दिखाई देती। आज जब मैं यहां पर आया हूं तो इतना अच्छा हुआ कि मैं आज से 4 साल पहले से मैंने यहां की यात्रा प्रारंभ कर दी थी, क्योंकि अन्यथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए गौतम बुद्ध नगर एक अभिषिक्त था। ये माना जाता था कोई मुख्यमंत्री यहां नहीं आना चाहिए, मुख्यमंत्री यहां नहीं आएगा। तो मैंने कहा मैं जा सकता हूं और मैं जाऊंगा और मैंने आज से 5 वर्ष पहले यहां की यात्रा प्रारंभ की थी। तब मेरे सामने बहुत सारे प्रश्न उठे थे, हमारे विपक्ष के मित्रों ने भी उस समय कहा था कि अब आपकी कुर्सी खतरे में है। तो मैंने कहा देखो कुर्सी किसी के साथ नहीं जाती है, जो कल जानी हो आज चले जाए, लेकिन मैं जनता के साथ धोखा नहीं कर सकता हूं। और मेरी प्रसन्नता है हमने जिन लोगों के लिए संकल्प लिया था उन लोगों ने डबल इंजन की सरकार को फिर से वापस लाने के संकल्प के साथ अपने आप को जोड़ा और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है। आज हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देनी हो या फिर आम जन के जीवन में व्यापक परिवर्तन करके उन्हें ईज ऑफ लिविंग का लाभ देना हो, स्वाभाविक रूप से उस पर तकनीक उसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और भाइयों बहनों हम सब जानते हैं
इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान तकनीक ने कितना महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। खासतौर पर कोरोना प्रबंधन के दौरान देश के अंदर हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी कार्यक्रमों को बखूबी होते हुए देखा, कैसे देश के अंदर 135 करोड़ लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चले, कैसे हमने तकनीक का उपयोग करते हुए कोरोना स्क्रीनिंग का कार्य घर घर जाकर के किया, कैसे शासन की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने के लिए किया। तकनीक नहीं होती तो टेली कंसल्टेशन के माध्यम से हम वर्चुअल आईसीयू का संचालन प्रदेश में देश के अंदर नहीं कर पाते। तकनीक नहीं होती तो डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी एक साथ करोड़ों अन्नदाता किसानों तक, करोड़ों वंचित परिवारों तक शासन की योजनाओं का लाभ नहीं दे पाते। लेकिन क्योंकि एक विजनरी प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आने के साथ ही डिजिटल इंडिया की जो बात की थी, उसके साथ प्रत्येक नागरिक को जोड़ने की जो कार्रवाई प्रारंभ की थी, उसका परिणाम था कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी आबादी लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ रहते हुए भी बेहतरीन कोरोना प्रबंधन का कार्य भारत ने दुनिया के सामने प्रस्तुत करके अपनी क्षमता को दुनिया के सामने साबित किया है। और मुझे लगता है इसमें तकनीक का बहुत बड़ा रोल था। आज अगर हमें आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करना है तो आत्मनिर्भरता अपने परंपरागत उत्पाद के साथ साथ तकनीक को भी हम अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे तो स्वाभाविक रूप से यह हमसे और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में उसका योगदान होगा। और तकनीक की भूमिका किसी भी स्तर पर नकारी नहीं जा सकती। आज के इस अवसर पर जब उत्तर भारत का यह पहला ऐसा डाटा सेंटर है जो किसी भारतीय के द्वारा बनाया गया है और वह भी उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य में बनाया गया है, मैं इसके लिए हीरा अंबानी ग्रुप को अपनी पूरी टीम की ओर से हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के लिए, भारत सरकार के सहयोग के लिए श्री अश्विनी वैष्णव जी और श्री राजीव चंद्रशेखर जी ने इस पूरे अभियान को हमारी टीम के साथ जोड़ करके टीम इंडिया के प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य जिस तरीके से आगे बढ़ाया है अत्यंत सराहनीय रहा है। मैं इसके लिए भारत सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मैं हीरा अंबानी ग्रुप को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश इस फील्ड में जो अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि विगत 5.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने इस ऑफ ग्रीन बिजनेस के तहत नई रैंकिंग प्राप्त की है। इसमें आपने देखा होगा कि जमीन के आवंटन में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने किस तरीके से काम किया है, अन्य जो कार्रवाई समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ी है, ये नए उत्तर प्रदेश की एक नई स्थिति आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने विगत 5.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में वे बेहतर परिवर्तन को भी देखा होगा। कभी यहां पर तमाम माफिया गिरोह हावी हो चुके थे, निवेशक यहां से भागते थे और यहां पर कोई ना कोई माफिया प्रदेश के अलग अलग जनपद में हावी होकर के उन्होंने पूरे प्रदेश की व्यवस्था को, शासन की व्यवस्था को बंधक सा बना दिया। आज प्रदेश में कोई माफिया गिरोह नहीं, कोई संगठित अपराध प्रदेश के अंदर नहीं हो सकता है। और प्रदेश के प्रत्येक निवेशक को सुरक्षा प्रदान करना, प्रदेश के 25 करोड़ जनता की सुरक्षा यह सरकार की प्रतिबद्धता है। और अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जो टॉलरेंस की जो नीति सरकार की है, सरकार उसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा करके अपने इन्वेस्टर पार्टनर्स को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में उनके द्वारा किया गया निवेश
पूरी तरह सुरक्षित होगा उसे आगे बढ़ाने में सरकार हर प्रकार से मदद करेगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश अब डाटा सेंटर का एक नया हब बनने जा रहा है। हम इसको देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 250 मेगावाट डाटा सेंटर विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के निवेश और जो लक्ष्य हम लोगों ने अपनी डाटा सेंटर पॉलिसी में तय किया था उसके तहत हम इस लक्ष्य को बहुत शीघ्र पूरा करने की स्थिति में आ चुके हैं, क्योंकि राज्य सरकार की डाटा सेंटर नीति जब प्रारंभ हुई थी तब देश की डाटा सेंटर की क्षमता मात्र 400 मेगावाट थी। इसके सापेक्ष आगामी 5 वर्ष अर्थात 2036 तक 250 मेगावाट क्षमता अर्जित करने का लक्ष्य हम लोगों ने यहां पर अर्जित किए, एक लक्ष्य तय किया है। लेकिन मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की हमारी जो डाटा सेंटर की जो पॉलिसी है इसने अपने वक्त पहले ही मौसम में 20,000 करोड़ के संपूर्ण निवेश लक्ष्य को अर्जित किया है। भारत का दुनिया भर के प्रमुख डाटा सेंटर निवेशकों से 600 मेगावाट से अधिक के निवेश के प्रस्ताव हमें यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं और उनके व्यवस्थित क्रियान्वयन की कार्रवाई भी आज प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर प्रारंभ कर दी गई है। मैं आज के इस अवसर पर डाटा सेंटर के लिए जो हम लोगों ने अपनी पॉलिसी तय की है जिसमें हम लोगों ने डाटा सेंटर पार्क का छोटी डाटा सेंटर इकाइयों दोनों के लिए ही वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन की भी व्यवस्था की है। डाटा सेंटर उद्योग के लिए ऊर्जा यानी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी उसका एक बुनियादी आवश्यकता है। हम यहां पर देख रहे थे जब सुनील जी हमें बता रहे थे यहां पर कि अनवरत बिजली चाहिए और अनवरत बिजली की इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम लोगों ने अपनी पॉलिसी में काफी परिवर्तन किए। खासतौर पर एक यहां पर हम लोगों ने सुविधा दी है कि प्रदेश में सेक्टर में निवेश करने वाले कोई भी निवेशक को खुले बाजार से प्रतिस्पर्धी भाव के दरों पर विद्युत क्रय करने, दोहरी ग्रिड द्वारा विद्युत आपूर्ति करने, ओपन एक्सेस और डीम डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस, विद्युत शुल्क और ट्रांसमिशन और बिलिंग शुल्क आदि सभी जितना भी इस सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी सहायता प्रदान करने की व्यवस्था हम लोगों ने अपनी पॉलिसी के अंतर्गत किया है। और डाटा सेंटर के जितने भी हमारे निवेशक हैं उनको तमाम प्रकार की इंसेंटिव भी देने की कार्रवाई राज्य सरकार ने अपनी पॉलिसी के अंतर्गत किया है। उसका परिणाम है कि आज हीरा अंबानी समूह के साथ ही अडानी सीपी वेबवर्क्स एसटीटी और जापान की कंपनी एनटीटी ने भी अपने निवेश के प्रस्ताव हम सबके सामने प्रस्तुत किए हैं जिन प्रस्तावों को हम अपना यहाँ प्रदेश के अंदर मूर्त रूप देना प्रारंभ कर दिए हैं। आज मैं इस बात के लिए हीरा अंबानी समूह को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना एक बेहतरीन डाटा सेंटर को एनसीआर को उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत को दिया ही है। साथ साथ हमें 39,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों के साथ भी हमारे साथ एमओयू किया है जो प्रदेश के अंदर आगामी 5 वर्ष के अंदर उनके द्वारा निवेश किया जाएगा। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि उनके द्वारा जो एमओयू किया गया है यह डाटा सेंटर की इकाई के उद्घाटन और 2 नए सेंटर के शिलान्यास के साथ ही उसी त्वरित गति से क्रियान्वित हो राज्य सरकार का भरपूर सहयोग उन्हें प्राप्त होगा। उनके निवेश को पूरी तरह सुरक्षित रखने में राज्य सरकार उन्हें हर प्रकार का सपोर्ट करेगा। मैं एक बार फिर से हीरा अंबानी समूह को इस डाटा सेंटर के लिए हृदय से बधाई देता हूँ और उत्तर प्रदेश में उनकी पहली इकाई है इसके लिए उनका उत्तर प्रदेश में उनकी पूरी टीम का उत्तर प्रदेश में हृदय से अभिनंदन भी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।